जिंदगी के सफर में सबको सब कुछ नहीं मिलता, जिंदगी के सफर में सबको सब कुछ नहीं मिलता, हो सितारे जिनके गर्दिशों में अक्सर उन्हीं को मंजिलें मिला करती हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णकांत चतुर्वेदी। आज एक रेड अलर्ट जारी है, किसके लिए? इस देश के लिए अथवा हमारे लिए या किसके लिए? इसी बात की विवेचना लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप सबका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं सीधे सन 2023 की, जिसका आगाज हो चुका है। सन 2023 प्रारंभ हो चुका है और अब इस साल कैसा होगा, क्या गुजरेगा इस देश दुनिया पर, इसी की बात हम करने जा रहे हैं। किस राशि पर क्या क्या ड्यूटी लगाएंगे शनिदेव, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि इसके पहले भी शनि के ट्रांजिट के समय में अनेक दुर्घटनाएं और अनेक महामारी जैसी संभावनाएं इस देश को झेलनी पड़ी थी और समस्त विश्व को झेलनी पड़ी थी। हम यदि राशि की बात करें, यदि हम तो बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाता है। सभी ग्रहों को छोड़ करके इस वर्ष जो सबसे अधिक पूरे साल भर रहने वाले हैं वह है सिर्फ एक शनिदेव। बाकी गुरु के अगर राशि परिवर्तन देखते हैं इस सन 2023 में, तो गुरु का राशि परिवर्तन 21 अप्रैल के आसपास हो जाएगा, अर्थात वह भी अप्रैल तक ही रहेंगे, फिर दूसरे राशि में परिवर्तन कर लेंगे। राहु भी 30 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद फिर से वह राशि परिवर्तन कर लेंगे। बाकी सभी ग्रह, चंद्रमा तो सवा दो दिन का रहता है और सूर्य एक महीने का। इसी प्रकार से सभी ग्रह जो है कुछ कुछ अवधि के लिए आते हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो लंबे अवधि तक एक राशि पर विद्यमान रहते हैं। निश्चय ही शनिदेव जब गोचर के दौरान हमारी कुंडली पर अथवा हमारे राशि पर भ्रमण करते हैं तो कुछ अच्छा और कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है। शनि का यह राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को होने वाला है और यह राशि परिवर्तन कोई सामान्य नहीं होगा। यह राशि परिवर्तन शनि देवता अपने मूल राशि पर आ रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि पर आ रहे हैं, जो शनि का अपना सबसे मजबूत स्थान माना गया है। शनि देवता के यूं तो दो राशि हैं, मकर और कुंभ। अब ज्यादा विस्तृत में आपको इसको समझा सकते हैं थोड़ा सा, तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और 30-12 राशियां हैं, तो 12 में से हम लोग 12 के साथ 2.5 अर्थात 2.5 वर्ष को यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 30 वर्ष का समय निकल के आता है। 30 वर्ष तक शनिदेव एक राशि में फिर दोबारा जब भ्रमण काल में आए तो 30 वर्ष के बाद फिर उसी राशि में परिभ्रमण करते हैं। अब क्या होने वाला है इस साल, क्या कोई खास होने वाला है? चलिए हम लोग इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था, क्या हुआ था इतिहास में जो हम शनि के इस ट्रांजिट को उसी से जोड़ सकते हैं ना भाई, क्या ऐसा कुछ हुआ था? तो आज से हम ठीक 30 साल पहले चलते हैं, जब शनि देव इसी कुंभ राशि में विद्यमान थे। ज्यों ही शनि का कुंभ राशि में गोचर परिवर्तन हुआ था, तभी एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, और मुंबई बम ब्लास्ट जो हुआ था वह एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट था। लगातार एक एक करके 13 ब्लास्ट हुए थे जिसमें अनेक लोग मारे गए थे। उसके और 30 साल पहले चलते हैं, तो ज्यों ही सन 1964 में 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको भी उसी समय मृत्यु प्रदान हुई थी और वह भी स्वर्ग आसन हो गए थे। अर्थात जब जब ये शनि, और अनेक घटनाएं हैं, किन किन घटनाओं को आपको याद दिलाएं, और अभी तत्कालिक में देखते हैं। अब जनवरी महीने में सन 2020 में शनि देवता का ट्रांजिट हुआ था मकर राशि में। शनि देवता की दो राशि, एक मकर और एक कुंभ। जब मकर में शनि देवता आए थे तब क्या हुआ था, तब आप सबने देखा था कि किस प्रकार से महामारी कोरोना हमारे इस देश में व्याप्त हो गई थी, कैसे गृह युद्ध छिड़ गया था, नेता प्रतिनेता सब में आपसी विवाद की स्थिति बन गई थी। और ठीक उसी समय में, अभी कुछ समय पहले की बात है, रूस और यूक्रेन का महायुद्ध, कहीं यह वैश्विक युद्ध की तैयारी तो नहीं? अब शनिदेव, जब सोचिए शनिदेव अपने नॉर्मल घर में है मकर राशि में तब इतना प्रभाव है, अब शनिदेव यदि अपने खुद के मूल त्रिकोण राशि में आएंगे तो कितना प्रभाव देंगे,
बात यहां डरने की नहीं, बात यहां समझने की है। और समझ करके यदि आप अपने जीवन में उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं जो शनि देव ने आपको ड्यूटी दे रखा है, तो निश्चय ही यह वर्ष आपके लिए बहुत ही ज्यादा मंगलमय और शुभता लिए रहेगा। शनि देव, हमने टाइटल में लिखा है कि शनि देवता आपकी इमरजेंसी ड्यूटी लगा रहे हैं। क्या है वह ड्यूटी, किस भाव पर ड्यूटी, क्यों लगा रहे हैं ड्यूटी वो? आपको यह तो विदित होगा कि शनि देवता कर्म के देवता हैं। सभी देवताओं को अलग, सभी ग्रहों को अलग अलग स्थान प्राप्त है, उसमें शनि देवता को कर्म का क्षेत्र दिया गया है। शनि देव स्वयं दंडाधिकारी हैं, कर्म के देवता हैं, कर्तव्य निष्ठ बनाते हैं जातक को। और यदि जातक कर्तव्य निष्ठ न बने तो उसे दंड देने का एकमात्र अधिकार शनिदेव के पास है। अब आज यही शनिदेव कुंभ राशि में 17 जनवरी सन 2023 को सायं 6:02 में फिर से ट्रांजिट करेंगे और पूरे साल रहेंगे। इसलिए शनि का यह ट्रांजिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। समझते हैं कि पूरे 12 राशियों में, देखिए देश की तो बात हमने की, देश और इस पर एक नया वीडियो और लेकर के आएंगे कि देश में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। हमारे हफ्तों के इस रिसर्च का यह परिणाम था जो हम आपके सामने यह वीडियो से शेयर किए। और अब सभी राशि वालों को शनि देवता का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस किस क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगा रहे हैं, क्योंकि कर्म के देवता हमारे कौन है, शनिदेव है। राशि, अब कुंभ राशि वाले की बात ही क्या भाई, कुंभ राशि के तो लग्न में ही शनि देवता आ गए हैं। अब जब लग्न में शनि देवता बैठे हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव कुंभ राशि के जातकों को दे दिया, स्वयं आकर के विराजमान हो गए। एक प्रकार से कहा जाए कि कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब कुंभ राशि से शनि देव की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ गई, पराक्रम साहस को बढ़ा दिया। इस समय में आप कंपटीशन यदि करना चाहते हैं कर लीजिए, यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं दे दीजिए, सीए इत्यादि का एग्जाम देना चाहते हैं दे दीजिए, मतलब जिंदगी में जितने कंपटीशन है जितने संघर्ष है वो कर डालिए, क्योंकि इस संघर्ष का प्रतिफल आपको आगे पॉजिटिव मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी लगी हुई है, यदि हम वह ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो हमें प्रताड़ित होना पड़ेगा शनि देवता के द्वारा। अगली दृष्टि शनि देवता की आती है सातवें भाव पर। सातवां भाव आपका व्यापार, आपका निवेश, आपकी पत्नी या कोई स्त्री है तो उसका पति। सातवें भाव पर यदि शनि का प्रभाव आ जाए तो विशेष तौर पर यही मानेंगे कि आपको पूरे इस वर्ष आपके जो सहयोगी, जो पार्टनर है, यदि आप अनमेरिड हैं तो आपके जो प्रेमी हैं या आपके जो सहयोगी हैं या मित्र हैं, इनके साथ संबंध आपको अच्छा रखना है। और जब यह संबंध आप सटीकता से निभा लेते हैं तब शनि देवता आपको प्रसन्न होकर के एक सुयोग आपके लिए बना देंगे। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई कार्य करना चाहते हैं तो यह सर्वाधिक उत्तम समय होगा। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि के लिए आप देखेंगे यह एक परिवर्तन का भी कारक है, हो सकता है परिवर्तन हो जाए, पति पत्नी या आप अपने मित्र या अपने पार्टनर से आप दूर हैं तो यह समय है आपके पास आने का, क्योंकि शनि देवता आपकी ड्यूटी लगा रहा है आपके पार्टनर के पास। यदि आप उनसे दूर रहेंगे, तनाव में रहेंगे तो आप प्रताड़ित होने वाले हैं, यह आपकी ड्यूटी है, आप समझ लीजिए। कुंभ राशि के लिए से दसवें भाव पर शनि की दशम दृष्टि आ रही है, कैरियर ग्रोथ को लेकर के आ रहा है, कार्य क्षेत्र में सफलता को लेकर आ रहा है। परंतु यदि आप उस ड्यूटी का निर्वहन अच्छे ढंग से कर पाए तब ना, भाग्य से दूसरा भाव हो गया दशम भाव, तो भाग्य में आपके क्या लिखा है इसको आप समझना है। अब क्या लिखा है भाई, तो कहते हैं कर्म आधीन देवा, कर्म हम जो कर्म करते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तो हम जो कर्म करते हैं उसी से हमारा भाग्य का निर्माण होता है। तो कर्म के देवता शनि देवता कर्म में बैठे हैं, तो क्या कहते हैं, जितना अधिक हो सके अपने कर्म करो, अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आप प्रयासरत रहिए। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होने वाला कुंभ राशि वालों, क्योंकि लग्न पर शनि का ट्रांजिट है तो निश्चय ही बहुत शुभ फल देने वाला है। परंतु फिर भी आपको अपनी ड्यूटी तो निभानी ही पड़ेगी, और जब आप अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा लेते हैं तो यहां पर बहुत अच्छा सुफल आपको प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव की आराधना करना, ओम नमः शिवाय का मंत्र जपना या महामृत्युंजय मंत्र जपना आपके लिए सर्वाधिक उत्तम इस वर्ष को बना देगा। परंतु इसकी और सटीकता तभी सिद्ध हो पाएगी जब आप अपनी कुंडली पर इस गोचर को अप्लाई करेंगे। पुनः आप सभी के लिए यह वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो।
निश्चय ही आप सबने हमारे वीडियो को इतने प्यार से देखा और हमें अपना प्यार दिया, इन सबके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम। और आपको यदि हमारा यह प्रयास, जो हमने अनेक दिनों के प्रयास के बाद यह वीडियो बनाया है, यदि यह आपको अच्छा लगे, यदि आपको लगता है कि आप भविष्य में भी हमारे वीडियो को यूं ही देखते रहें, क्योंकि हम यही चाहेंगे कि आपका प्यार मिले, तो हम यह वीडियो और आगे बढ़ाते रहें। और तब आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर भी कीजिए। आप सब के लिए यह जो वर्ष है सन 2023, बहुत बहुत मंगलमय हो, आपको अनेक खुशियां प्राप्त हों और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।